आज की वीडियो में क्लास 3 लेसन 7 द फेयर मेला। फेयर मींस होता है मेला। मेला पाठ के विषय में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेला लगा हुआ है, इसी पाठ के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जो आर्टिकल ए एन द होता है उसका कहाँ प्रयोग होता है। यहाँ पर ए एन द आर्टिकल के विषय में भी बताया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड कलर से हाईलाइट है वही आर्टिकल है ए एन द। किसके पहले ए का प्रयोग होगा और किसके पहले एन का प्रयोग होगा और किसके पहले द का प्रयोग होगा। सबसे पहले आइए इसको समझते हैं, इसके बाद द फेयर लेसन जो है इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल के विषय में समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया गया है टू द टीचर, टीचर के लिए कि बच्चों को क्या क्या समझाना है। मेक स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, बच्चों को अभ्यास कराना है, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को अभ्यास कराना है। क्या अभ्यास कराना है? फर्स्ट, यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले करना है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, मतलब जिसका उच्चारण जिसकी शुरुआत व्यंजन से होती है, जिनका जो साउंड होता है ध्वनि व्यंजन से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वहाँ क्या लगता है? ए लगता है। अब दूसरा देखते हैं, यूज एन बिफोर वर्ड्स। एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है दैट बिगिन विथ ए वोवेल साउंड, जो कि वोवेल साउंड स्वर ध्वनि से जिनकी शुरुआत होती है, मतलब जिनकी शुरुआत स्वर से होती है, ऐसे वोवेल्स होती हैं, उन शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है। और तीसरा देखिए, द, द भी आर्टिकल है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? द, द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक वर्ड्स आर थिंग्स। द का प्रयोग विशेष शब्दों अथवा वस्तुओं के पहले किया जाता है। आइए फेयर जो चैप्टर है इसको हिंदी में इसका अनुवाद देखते हैं और उसमें देखेंगे कि कहाँ द का प्रयोग हुआ है, कहाँ ए एन का प्रयोग हुआ है। नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर विथ देयर पेरेंट्स। नितिन और मीठी अपने माता पिता के साथ मेले में जाते हैं। यहाँ पर मेला जो है, फेयर जो है, वो स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब विशेष शब्द है, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। देयर इज ए जियंट व्हील एंड ए सर्कस इन द फेयर। जियंट व्हील मीन्स होता है झूला या विशाल झूला, सर्कस मीन्स होता है सर्कस, मतलब मेले में एक विशाल झूला या झूला और सर्कस है। तो क्या क्या देखते हैं मेले में? विशाल झूला और सर्कस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो वर्ड जियांट है उसमें जो जी है वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर ए लग रहा है, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है सी, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। और फेयर जो है स्पेसिफिक वर्ड है, विशेष शब्द है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। अब अगेन, इट्स खाता है, एन एप्पल एक सेब, एन ऑरेंज एक नारंगी, एंड और ए बनाना एक केले को। नितिन एक सेब एक नारंगी और एक केला खाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ एन का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी एन का प्रयोग हुआ है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि जो एप्पल वर्ड है इसका जो फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट साउंड आप लोग देखेंगे ए है, ए जो है वो वोवेल में आता है, वोवेल साउंड है। तो वोवेल जो साउंड होता है उसके पहले एन का प्रयोग होता है। हमने आपको बताया जो जो शब्द होते हैं स्वर से शुरू होते हैं उसके पहले एन का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो ए है वो वोवेल साउंड है। वोवेल में क्या क्या आता है? ए ई आई ओ यू, जो पांच वर्ड होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर इनसे कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। और बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। मीठी ईट्स ए लॉलीपॉप, मीठी एक लॉलीपॉप खाती है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है क्योंकि लॉलीपॉप जो वर्ड है इसका जो फर्स्ट साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, और व्यंजन कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है। नितिन बाइज ए बैट एंड ए बॉल। नितिन एक बैट को और एक बॉल को खरीदता है, मतलब एक बल्ले को और एक गेंद को खरीदता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बैट, बैट के सामने ए का प्रयोग हुआ है क्योंकि जो बैट वर्ड है उसका जो फर्स्ट साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। और बॉल, बॉल भी, बॉल का जो बी है वो भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कहाँ ए का प्रयोग होता है, कहाँ एन का प्रयोग होता है और कहाँ द का प्रयोग होता है। मीठी बाइज ए बैलून एंड ए डॉल।
मिठी एक गुब्बारा खरीदती है और एक डॉल और एक गुड़िया खरीदती है। मतलब मिठी एक गुब्बारा और एक गुड़िया खरीदती है। बलून मीन्स होता है गुब्बारा, डॉल मीन्स होता है गुड़िया। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। अब आइए देखते हैं नए शब्द इस लेसन में क्या क्या आए हैं जो कि हम लोगों ने पहली बार देखा है या सुना है। वो है फेयर। क्या आप लोग अभी तक जानते थे फेयर मीन्स मेला होता है? हाँ, कुछ बच्चों को पता होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, तो इस लेसन को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला। जियंट व्हील मीन्स होता है झूला। पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। बलून, बलून मीन्स होता है गुब्बारा। पिछले चैप्टर हम लोगों ने दिस दैट का प्रयोग देखा था। इस चैप्टर में आप लोगों को पता है हम लोग ए एन द का प्रयोग देख रहे हैं, इसलिए ए एन द जो है उसको हाईलाइट किया गया है रेड कलर से। दिस दैट का प्रयोग तो हम लोग जान ही लिए हैं और ए एन का भी प्रयोग हम लोग जान लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसको देख करके आइए अच्छे से और समझते हैं, ताकि जो ए एन द है उसका प्रयोग हम लोगों को कंठस्थ हो जाए, दिमाग में बैठ जाए और कभी ना भूले। आइए देखते हैं। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। ये जो बच्चा है वो सेब लिया हुआ है, इसलिए कहा जा रहा है कि दिस इज एन एप्पल। और एप्पल के पहले एन क्यों लग रहा है? क्योंकि ए जो साउंड है वो वोवेल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर एन लग रहा है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं। नितिन लाइक्स टू ईट एन एप्पल। नितिन एप्पल को खाना, सेब को खाना पसंद करता है। लाइक मीन्स पसंद करता है, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर क्या है? दिस इज ए मंकी, यह जो है इसके विषय में बताया गया है कि यह एक मंकी है। मंकी में एम आया है, एम कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर ए है। तो दिस इज ए मंकी, यह एक बंदर है। द मंकी लाइक्स बनाना, मंकी जो है वो बनाना को, ए केले को पसंद करता है। यहाँ पर मंकी के पहले द क्यों लग गया है? यहाँ पर तो मंकी के पहले ए लगा है, तो यहाँ पर मंकी के पहले द क्यों लग गया है? क्योंकि ये जो मंकी है उसको दिखाकर बताया गया है कि ये मंकी है, और उसी के मंकी के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है कि वो केला खाता है। तो यहाँ पर जो मंकी है वो स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गया। इसी मंकी के विषय में, इसी बंदर के विषय में, इसी विशेष बंदर के विषय में बताया जा रहा है, किसी दूसरे बंदर के विषय में नहीं, इसीलिए यहाँ पर मंकी के पहले द लगा है। अब आगे देखते हैं। दिस इज ए रैट, यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स में एक चूहा है, उसी के विषय में बताया गया है कि दिस इज ए रैट, यह एक चूहा है। रैट, रैट में जो आर है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगा है। द रैट इज इन द बॉक्स, जो रैट है, अब यहाँ पर देखिए रैट के पहले फिर द आ गया है, क्योंकि उस विशेष चूहे के विषय में बताया जा रहा है जो कि डब्बे के अंदर है, इसीलिए रैट के पहले यहाँ पर द लग गया है। तो जो रैट है वो कहाँ पर है? द बॉक्स में, इस विशेष बॉक्स में है, मतलब इस बॉक्स में है, इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है, क्योंकि ये जो बॉक्स है स्पेसिफिक है, क्योंकि ये वही बॉक्स है जिसमें चूहा है, तो यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। यह एक छाता है। यहाँ पर अम्ब्रेला के पहले एन इसलिए लगा है क्योंकि उसका जो प्रोनंसिएशन है वो स्वर से स्टार्ट है, और इसका जो फर्स्ट साउंड है वो भी क्या कहते हैं, इसका जो फर्स्ट साउंड है वो भी वोवेल है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा है। अब देखते हैं। द अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम द रेन, अम्ब्रेला छाता हमें बारिश से बचाता है। द रेन, रेन के पहले द लगेगा क्योंकि यह स्पेसिफिक वर्ड है, विशेष शब्द है। अब यहाँ पर देखते हैं। दिस इज द सन, यह सूरज है। यह जो देख रहे हैं यह सूरज है, और सूरज, सन के पहले द लगा है क्योंकि यह स्पेसिफिक वर्ड है, विशेष शब्द है। सूरज एक ही है, सूरज, इसीलिए यह विशेष शब्द है, यहाँ पर सन के पहले द लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, तो यहाँ पर ईस्ट के पहले भी द लगेगा। दिस इज द ताजमहल, यह ताजमहल है। ताजमहल एक विशेष वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है, इसलिए यहाँ पर द लग रहा है। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ताजमहल बहुत सुंदर है, और वाकई में रियल में बहुत सुंदर है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन ए एन द, इस जो ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, इसको ए एन द से भरना है, जो कि मैं फिलअप की हूँ। आइए वन बाई वन देख लेते हैं। सन के पहले क्या लगेगा? द लगेगा। एप्पल के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि ये वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। गन, गन के पहले ए लगेगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल। ऑक्स, ऑक्स के पहले एन लगेगा क्योंकि वो यह वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ताजमहल, ताजमहल के पहले द लगेगा क्योंकि यह स्पेसिफिक वर्ड है, विशेष शब्द है। बैग, बैग के पहले ए लगेगा क्योंकि यहाँ पर यह कॉन्सोनेंट वर्ड है बी। इंजन, इंजन के सामने एन लगेगा क्योंकि यह वोवेल साउंड से
क्योंकि वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है. स्काई, स्काई के पहले द लगेगा, ऑरेंज ऑरेंज के पहले एन लगेगा. आई होप बच्चों आप लोगों को ए एन द एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, कौन कहाँ कहाँ लगेगा, कौन कहाँ लगेगा, कौन कहाँ नहीं लगेगा. वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए. चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा. और आपको बता दें कि क्लास 3 इंग्लिश की एक अलग से इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपको क्लास 3 इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के वीडियोज बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है, जहां पर आप बहुत ही आसानी से सारे चैप्टर्स के वीडियोज पा सकते हैं. और हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि अगर आप टीचर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि हर स्कूल में एजुकेशनल ग्रुप बना होता है जहाँ पर टीचिंग मटेरियल्स को शेयर किया जाता है ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें. इसलिए आप इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय.